आज प्रभाचंद स्वामी की इतनी सुंदर टीका न होती तो अंदर की घूंट से स्पष्ट नहीं हो सकती। बाल गोपाल सबके लिए विद्वान तो यहां कह रहे हैं निमित्त जो है दो प्रकार का है, बहिरंग निमित्त अंतरंग निमित्त। जो कारूप परिणत होता है वो अंतरंग निमित्त है, जो कारणभूत होता है वो बहिरंग निमित्त है। तो जो द्रव्य है निमित्त क्या करता है, द्रव्य का कोई प्रमण नहीं होता। एक क्षण को रुक जाइए। अब यहां जो शांति समझेंगे वही समझ पाएंगे। द्रव्य अपरिणामी है, द्रव्य अपरिणामी है, अपरिणामी है इसलिए त्रिकालिक है, त्रिकालिक है अपरिणामी है। द्रव्य प्रणमन नहीं करता, द्रव में प्रणमन होता है। द्रव प्रणमन कर जाएगा तो परवस्तु हो जाएगा, विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो द्रव में प्रणमन हो रहा है, द्रव प्रणमन नहीं कर रहा। एक दृष्टि जो बहिरंग निमित्त है द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो वे पर्याय को प्रणमन में सहकारी बनते हैं। द्रव्य को प्रणमन नहीं कराते, द्रव प्रणमन हो जाएगा तो अभिव्यक्त भाव का अभाव हो जाएगा। द्रव में अभिव्यक्त भाव है, द्रव कई पर द्रव रूप प्रणमन नहीं करता और द्रव अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता। अपने स्वभाव का त्याग न करते उस द्रव में प्रणमन होता है। तो जो प्रणमन जो सहकारी कारण है वे सहकारी कारण क्या कर रहे हैं, द्रव को बदल देंगे तो द्रव्य का अस्तित्व नहीं बचेगा। बोलो तो ये क्या कर रहे हैं, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो क्षेत्र काल भाव, क्षेत्र काल भाव, क्षेत्र क्या है, द्रव्य का स्वयं का स्वक्षेत्र। तो द्रव्य के स्वक्षेत्र में बहिरंग निमित्त प्रणमन कारण बनता है और काल बदलने में निमित्त बनता है, भाव बदलने में निमित्त बनता है। ये बहिरंग निमित्त अपना काम कर लेते हैं, साधन बनते हैं। वो अंतरंग आटा रोटी आकार को प्राप्त कर हो जाता है, आटा रोटी आकार प्राप्त होता है, लेकिन पानी आदि जो सामग्री है वो उसमें निमित्त है। अग्नि सब निमित्त है। अब यहां आपको पकड़ना यह है, अंतरंग निमित्त था आटा, अंतरंग निमित्त था आटा, वो अपने चतुष्टय में है। आटे ने आटे बनकर त्याग नहीं किया, सुनो ना, आटे त्याग नहीं किया, आटा ही रोटी रूप बदल गया। इसको बदलाने में, पर्याय के प्रणमन कराने में
बैरंग हेतु निमित्त बने हैं। द्रव्य को नहीं बदला उनने, द्रव्य स्वयं उपादान से बदला है, स्वयं उपादान से बदला है ना। द्रव्य सूखे आटा जो था रोटी रूप बदल गया है, अब द्रव्य का द्रव्यत्व नहीं बदला, द्रव्य का द्रव्यत्व नहीं बदला। द्रव्यत्व बदल जाएगा तो द्रव्य ही नहीं बचेगा, इसलिए आज और नया विषय आ रहा है। द्रव्य का द्रव्यत्व नहीं बदला, द्रव्य का द्रव्यत्व बदल जाएगा तो द्रव्य ही नहीं बचेगा। द्रव्य ने अपने आकार को बदला है, क्षेत्रकाल भाव को बदला है, लेकिन द्रव्य बदला नहीं है, द्रव्यत्व को नहीं बदला। सुनिए, अब सुनो, यहां पर ध्यान दो। स्वर्ण भी बदलता है, स्वर्ण नहीं बदलता, नहीं बदलता तो पर्यावरण हुआ किसका, बदल गया होता तो पर्यावरण हुआ किसका। तो आपको यह ग्रहण करना चाहिए, नित्यम तदेवेत, ये वही है पृथ्वी ज्ञान का जो विषय बन रहा है। तो इसमें क्या देखा आपने, द्रव्य नहीं बदला, द्रव्य नहीं बदला, नित्यम मनित्व प्रतिपत्ति सिद्धि, जो नित्य नहीं है अनित्य की प्रतिपत्ति सिद्धि होती है, अन्य अन्य की सिद्धि होती है। तो अन्य अन्य की सिद्धि कौन करा रहा है, अनित्य। तो पर्याय अन्य अन्य की सिद्धि करा रही है और द्रव्य वही वही की सिद्धि करा रहा है। तो पृथ्वी ज्ञान जो है वही वही है। अब यहां आपको ध्यान देना है, पर्याय बदल रही है तो ऐसे कोई पर्याय नहीं है कोई अलग से द्रव्य चिपकाया जा रहा हो। मैं मनुष्य पर्याय की बात नहीं कर, मैं सोने से कुंडल बनवा रहा हूं, और सोने से कुंडल बदलेगा बनेगा तो ये आकार किसने लिया है, सोने लिया ना, बदला कौन है, सोना बदला कौन, सोना की आकार, तो क्या बदला, क्षेत्र किसके बल पर, बैरंग पर आकार, काल उसका स्वभाव बदला है। स्वभाव बदल रहा है, ये सब द्रव्य बदल रहा था। अब रुकिए, आप भ्रम में चले जाओगे अभी। ये द्रव्य बदल रहा है, परंतु द्रव्य में बदलने की जो योग्यता है वो न होती तो बैरंग कुछ नहीं कर सकते। तो सहकारी तो किसने मना किया, सहकारी सहित को सुनो, द्रव्य अपने उपादान से न बदलता होता तो सहकारी निमित्त कुछ भी नहीं कर सकते। द्रव अपने उपादान से ही बदल रहा है। आप सुनो, अपने सामने एक लोई देखो, आप देखिए लोई देखो, उस पर चौकी चलते बेलन चलते देखो आप, तो आज क्षेत्र कौन बदल रहा है, वेदन बदल रहा है, बदल रहा ना। जो काल इसका था, काल का बोध कौन करा रहा है, काल द्रव्य करा रहा है, ठीक है। जो आटे का लोई का स्वभाव था स्वाद, वो रोटी बनने पर बदला कि नहीं बदला, बदल गया, ठीक है। तो अग्नि आदि के तापमान से स्वभाव में अंतर आया बेटा, सुन ही नहीं रहे आप,
सुबह मंत्र आया, ठीक है। एक एक काम करना, चना लेना, चना का दाना वो सीधा खा लेना, ज्ञानी बन के खाना, ठीक है। और कुछ नहीं करना, एक चने को सीधा साबित खा लेना और एक को ऐसे कूट देना, मात मिलाना कुछ नहीं है, मात कुचल देना आप तो उसको। और जैसे आपने कुछ रहा पीसना नहीं, कुचल ही देना आप तो, कुचलने में पीसने में अंतर है, ठीक है। कुछ नहीं हो तो एक काम करना, आहार तो लेते ही आप, कभी कभी चने रहते ना सिके हुए, ठीक है, उबला हुआ, उस सीधा आपने प्राशोक ले लिया उबला सीधा, उसका स्वाद लेना, ठीक है। फिर ये कोई महात्मा जी पीयूष ने क्या किया मत बोलो, बीच बीच में उसको ले करके चम्मच से ऐसे गुजर दिया, अब उसका स्वाद लो, कुछ मिलाया क्या, मात कुचर दिया। बहिरंग निमित्त ने क्या किया, चने का स्वभाव बदल दिया। बोलो सारस्वत जी, अब यहां ग्रहण करना है, ये तो यहां हो गया, अब एक बुद्धि लगाइए। अब जो बहुत समझदार लोग होते हैं, बहुत समझदार, अपनी बुद्धि दौड़ाते हैं, उनने क्या किया, एक रसगुल्ला था, इतना अच्छे शोधन किया, उसका हलवा बना दिया, ठीक है। अब तुम्हें रसगुल्ले का स्वाद कभी जीवन में खाने को मिलेगा नहीं, ठीक। और दाल थी, रोटी थी, दाल लो, रोटी लो, उस पर दाल डालो, उसका स्वाद लो। और किसी ने कटोरे में दाल भर करके उसमें रोटी घोर दी, अब देखो उसका स्वाद क्या होगा, ठीक है। बहुत सारा द्रव्य सहज स्वभाव तो तुमको मिलता ही नहीं है, शोधन करने वालों को जितनी तुम्हारी योग्यता उतनी शोधन करना चाहिए, बाकी के महाराज ऊपर छोड़ना चाहिए। शोधन के चक्र उन्होंने क्या किया, पूरा उसको तोड़ तोड़ के फिर एक पेड़ा दिया तुमको, उसके ऐसे कचूमर किया पहले, तुमको कभी भी पेड़े का स्वाद नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिल सकता। बोले रस भरी बनाई थी, उस कटोरी में उसके हालत खराब कर दी, ठीक है। अब सुनिए, बहिरंग निमित्त से स्वाद बदला कि नहीं, मुझे ये समझाना आपको, बदल गया ना, अब यहाँ रुक जाइए आप। बदला बदला बदला, सब ठीक है, सब ठीक है। आपने कर्नाटक गए कभी, अरे रहे हो तुम वहां, तो वहां के लोग जो सामान रहता थाली में उसको खाते, उसका तो ठीक खाती है, जो चाव से ये चाटते ना, नहीं ऐसे ऐसे करके ऐसे चाटते, तो वो उनका विशिष्ट स्वाद है उनका। समझा करो आप, कुछ लोग कितनी सुंदर खा लें जब तक उंगली नहीं चाटें। तो दक्षिण भारत में भी ऐसे करके ऐसे ऐसे खाते ना, तो वो ऐसे यहाँ बह जाता है भाई, हाँ? तो अरे हमने देखा अपनी आंखों से, फिर ऐसे चाट लेते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ हमने उत्तर मध्य भारत में देखा, जो लोग हैं ना, अब थोड़ा सुधार हो गया, पहले गरीब लोग जैसे जो भी हो, गरीब ही कोई भी हो, कितनी भोजन करेंगे फिर भी उंगलियां चाटते हैं, वो क्या है, जैसे कोई बीच बीच में मिर्ची लेता है वैसे अपनी उंगली चाटते हो। तो प्रक्रिया के बदलने से वस्तु वस्तु हो जाती है, ये ध्यान में रखना चाहिए आप सबको, और ये सबको सीखना चाहिए, न्याय सीख रहे ना, प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है, मानती हो ना। चलिए जब मानती हो तो यदि आपने जो वस्तु जिस रूप में रितेश देना चाहते थे आपने उसी हालत खराब करके दे रहे हैं, तुमने उस वस्तु को अवस्तु, जो गुलाब जामुन था
अब तो हलवा दे के देना चाहिए आपको, ऐसा बोले महाराज जी हलवा गुलाब जामुन का हलवा, क्योंकि गुलाब जामुन तो अवस्तु हो चुका है वहाँ, मान लिया अब चले जाएंगे, अब चलिए यहाँ क्या कह रहे हैं। यदि थोड़ा भी नहीं तोड़ोगे तो आप शोधन कैसे करेंगे, बात ये भी तो है ना। अब रहा दूसरा विषय, ये वे होते हैं बतासे पानी बतासे, सच्चा साधु तो कभी उसका स्वाद ले ही नहीं सकता, क्यों नहीं, चौके में ही है आप उसको, वो तो सीधा पानी भरो और गप्पू ले जाओ तब स्वाद देता सही स्वाद, तो समझ रहे कि, और फिर आपने ऐसे तोड़ा नहीं, देखना तो पड़ेगा पूरा खोलो पहले, उसके अंदर क्या भरा है, चलो यार नहीं, सब फोड़ फाड़ के देखना चाहिए, अथ द्रव्य लक्षणेन अंतरंग निमित्तेन, आप नया तो कुछ होने ही नहीं दे रहे हो, ते तो ठीक है स्वाद तो बदलेगा लेकिन वस्तु तो वही है, समझ गया, हम बना के पहले से रख दिए, हाँ चिप्स है, फल नहीं है चिप्स है, ठीक है सही है सही है, आप नया रेस खोल दिया आज भैया, आप तो ये बताओ तुम पढ़ना क्या सुनना चाह रहे हो, समझ में आ गया, अभी इतनी देर से क्या हो रहा था, अरे भाई सुनने दो, प्रमोद हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि पढ़ाएं, प्रमोद जन्म इसलिए हुआ कि भरे है, और सुब्रसा जन्म इसलिए कि व्यवस्था बनाए, तुम्हारा जन्म इसलिए कि तुम सुनो, प्रमोद तुम थकना नहीं, हम नहीं थक रहे, तुम क्या थक रहे, अरे यार तुम लोग टेंशन दे रहे हो सबके सब बैठ करके, ये क्लास है इसमें आप नहीं भर रहे हटा दो, लेकिन हाँ हम पढ़ने दो, विषय में व्यवहार में करो, कुछ नहीं सुनना हमको, क्या विषय दूसरा चल रहा है, वो कठिन विषय, कठिन विषय सुनो ध्यान से, खुद मचा रहे हैं, उनको समझ में आते हैं, बोलने की आदत है उसको भाई को, सुनो इधर देखो तुम भी लाइन बताओ पढ़ कहाँ रहे हो, सबको आदत सुधारना चाहिए, बीच से टोकने की बहुत आदतें हो गई, हेलो प्रणव साहब ठीक कह रहे हैं, सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन समय पे बोलो, जो विषय छूट है ना तुम अकेले मिला करो, अब आज की पूरी क्लास गई तुम्हारी, क्योंकि तुमको समझ में आ ही नहीं रहा, और ये अभी बता नहीं पा रहे तुम पढ़ना कहाँ है, पर द्रव्य लक्षण पर द्रव्य लक्षण से बहिरंग निमित्त न बहिरंग निमित्त से योगान बहिर्निमित्त के योग से नासत्वात्मकत्वात् मेकस्वापि न विरुद्धत्वम्,
वे ये कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं निमित्त कुछ नहीं करता, पर ये देखो तो कोई कह रहे हैं उपादान ही सर्वस्व है, कोई मानते हैं उपादान ही सर्वस्व है, कोई मानते हैं निमित्त ही सर्वस्व है, और हम कह रहे हैं निमित्त उपादान में कार्य नहीं होता, ठीक है। तो ये समझना चाहिए इसमें कोई विरोध नहीं है, बिना निमित्त के कार्य की सिद्धि नहीं होती। जो निमित्त को एकदम उड़ाने की बात करते हैं, निमित्त बना लेंगे तो पता नहीं उनको कौन सा व्यंतर लग जाता है। सुना, जो बब्बा ने मिथ्यात फैलाया उस मिथ्यात का निरसन है ये। उन्हें विद्वानों को द्रव्य समय सार पढ़ने के साथ साथ दर्शन साथ पढ़ना चाहिए। जो दर्शन साथ नहीं पढ़े वो समय सार को समझ नहीं सकता, और जो तत्व को समझता है उसे लाखों तूफान एकदम मंडराने लग जाए तब भी अपने में दृढ़ रहना चाहिए। तूफान छटेंगे, बादल छटेंगे, हम वहीं रहेंगे सूर्य के समान। अभी देखो सुब्रसार, एक व्यक्ति ने तूफान फैलाया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? अपने पास सिद्धांत है, जिन्हें प्रावज्य होती नहीं होती, नहीं होती नहीं नहीं होती, क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे निमित्तों के उपादान के बीच हम बहुत खेले बेटा, तुमको पता नहीं है। अभी तो ये सब बादल छट गए हैं, मतलब कोई प्रश्न ही नहीं बचे अब तो। ये तो 90 दशक में ऐसे तांडव था देश में, निमित्त उपादान निमित्त उपादान निमित्त उपादान द्रवगुण पर्याय, अब कोई बात ही नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उस क्षेत्र में क्या गोमटेश गए थे, वो तैयारी में बैठे थे सब, पूर्ण तैयारी के साथ आए थे सब मिल करके इकट्ठे, बोले नमोस्तु शासन पर और कुंद कुंद का विरोध करेंगे। मैं भी सुब्र शासन बोले कि भैया सब ग्रंथ लेके चलना आप। बस हम पहुंचा, एक ने ची नहीं करी, एक दिन घूमे पंड उसमें, उसी दिन हमने कह दिया पंडित श्रीरांज को पकड़ा माइक। चिल्लाना कोई निर्णय नहीं है, बोलना भी सीखना चाहिए। लिखना आता भाई को बोलना नहीं आता, वो तो बैठा मित्र बगल में। हमने उनको बिठाया एक दिन गद्दी पर मालवीय रोड पर, समाज ने विरोध कर दिया उनका, काला जी का तुरंत विरोध कर दिया, बोले इनको नहीं बिठाना गद्दी पर। तो क्या है ना, बुद्धिमान है, बोलना नहीं जानता भाई, तुरंत उबल जाता है। उबलना मोक्ष मारी की व्याख्या नहीं कर सकते आप, व्याख्यान हो गया सरलता से, उबलने से कभी नहीं होगा। लेखनी ऐसी लिखो कि भविष्य में तुम्हारी लेखनी लोग अध्ययन करें। लेखनी में आपने ऐसा लिख दिया, अशब्द बोल दिए, अब महात्मा सरल सागर जी हैं, उनकी पुस्तकें कौन इतिहास बना रही हैं? उन्होंने जो हेडिंग दिए हैं इस प्रकार से तुम गाली नहीं दे सकते कोई इसको, समझना, ऐसे हेडिंग बना के रखे हुए हैं। तो हमने कहा उनके भैया जी से कि भाई महाराज जी को बोलो, आप इसमें दिमाग लगा रहे हो, कोई आप अच्छे ज्ञानी मुनिराज हैं, आप कोई गहरा काम करो, जैनेन्द्र व्याकरण पर काम करो, कोई न्याय पर काम करो, तो हम जैसे मुनि पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, ये देखो विशिष्ट विद्या पुण्यात्मा को ही मिलती है, और ज्ञान मिलने के बाद उसका प्रयोग सम्यक कर देना। हमने आपको दो बहनों को अच्छा सामान रीते से आगे भोजन की सामग्री दे दी, बनाइए, स्वाद अब तुम्हारे हाथ में है, ये व्याख्या चल रही यहाँ पर, बनाइए। दो को एक सा सामान दिया है, पर वही सामान ये बाजार की बाइयाँ बना रही हैं और घर की माँ बनाए। मैं तो एक मिनट में समझ जाती हूँ दाल किसने बनाई होगी, तुरंत समझता हूँ, मतलब यहाँ पर जरूर बाई आ गई कोई बाहर की, ठीक है। तो ये स्वाद भरना आना चाहिए, ऐसे ही ग्रंथ तो वही है, मैं पढ़ूँ आप पढ़ो सब पढ़ो, आप अपने अपने हाथ की अपने प्रज्ञा का योग्यता का काम है। बालक अब देखो निमित्त की देखिए, वही बेलन वही चौकी, एक रोटी बेल रहा उसी बेलन चौकी, उस भारत का नक्शा बना रहा है, एक सुंदर गोल रोटी फुल्का बना रहा है, वही आग वही तबा वही सब कुछ, एक कच्ची बना के रख रहा है, तो आटा बिगाड़ रहा है, समय बिगाड़ रहा है, और सामान परिवार का श्वास बिगाड़ रहा है, नहीं देह को मानसिक दोनों श्वास बिगाड़ रहा है। जिनके घर में रोटी बनाने नहीं जानते लोग, वे पूरे घर की बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं और शरीर को नष्ट करते हैं।
रहस्य पढ़िए, ऐसे ही आप व्याख्यान करना नहीं जानते हो, विश्वास मानिए, 5 मिनट के अंदर आप समय तो नष्ट कर ही रहे हो, खींच रहे हो, सभा के मस्तिष्क नष्ट कर रहे हैं आप। भजन पढ़ता सुब्रत साहब भजन, कुछ लोग चीखते हैं चिल्लाते हैं जिनकी भाषा माधुरी ही नहीं है तो सिर दर्द करने लगता है। अरे हम ही सोचते भैया कब बंद कर रहे नहीं कर रहे, बोले क्यों, भाषा हो मधुर हो, विषय अंदर होना चाहिए उसके। सुनो आप लोग सब, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि यदि न तो भाषा का श्रेष्ठ है न उसमें विषय दे पा रहे हो और खींच रहे हो समय जान जान करके, तो भाई हमारा सिर दर्द करता है, विश्वास मानो। और जो व्यक्ति अच्छा बोलता है, उसने अलंकार पे बोल रहे थे ना हम, कितना सुंदर बोल रहे थे, सुनने में अच्छा लग रहा था। और जहाँ तुम्हारा विषय है नहीं और माँ चिल्ला रहे हो, तो जो अरे भाई ऐसा है, पिल्ले को देखा आपने जयेंद्र सागर जी, देखा है, बंदरिया को देखा आपने, देखा है, वित्रियन से जी प्राणी, उनका बच्चा भी अपनी माँ का दूध पीता है, वो सीधा मात चमड़ी नहीं खींचता रहता है, दूध निकलता तो उसको आनंद आता है, और दूध ना निकले तो चमड़ी नहीं वही छोड़ देता है, बोले बंद हो गया, बछड़ा भी छोड़ देता आंचल थन छोड़ देता बछड़ा, बोले दूध नहीं निकल रहा। ऐसे ही आपके व्याख्यान में दूध निकलना चाहिए, मात समय की बर्बादी कर करके हम काम कर रहे हैं ना व्यक्ति बेटा, वो तो मात्र मात बछड़ा भी छोड़ देते तो हम लोग सब छोड़ देते, ठीक है अब आंख मीच करे उपेक्षा हो चुकी तुम्हारी। जब श्रोता थकने लगते हैं तो वक्ता की उपेक्षा करने लगते हैं, विषय देना चाहिए, समझ रहे, विषय देना चाहिए, सुबह सागर जी सुन रहे कि नहीं, विषय देना चाहिए। एक शब्द को, ये टीका नहीं है सकल कीर्ति की शुभचंद्राचार्य की, उसमें आपको फिर से वहीं पहुंच गए, फिर से वहीं पहुंच गए। देखो अपनी अपनी शैलियां मानते हैं लेकिन धारावाहिक शैली एक अलग ही होती है। बोलो महात्मा जी। और ये भी ध्यान रखना, अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग व्याख्यान शैली है, अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग व्याख्यान शैली है। एक ऐसी संस्कृति विदेशी जहाँ चिल्लाई जाता है, ठीक है, एक ऐसी संस्कृति है जहाँ ढोल तबला रख करके थोड़ा बोलो फिर बीच में गाओ बजाओ, फिर बोलो फिर गाओ बजाओ, समझ ना। परंतु जैन जो संस्कृति है वो एक तत्व को प्रूपणा करने वाली संस्कृति है। और यहाँ जितने पूर्व वक्ता हुए हैं बहुत धीमे धीमे बात करके अपनी बात रख करके आगे निकलते थे। उसने तो कभी तबला नहीं बजाया, ध्यान रखना, उसने विषय दिए इन लोगों को। पद निकलता है, सही है। अब बब्बा ने कभी तबला नहीं बजाया, नहीं, सीधा चलता है। ये अन्य पक्षों के पक्ष हैं, ये भक्ति धारा गीत धारा वाले पक्ष हैं, ठीक है। चलो ये समय हो गया। तो परद्रव्याय लक्षण योग न सतम न वृद्धम तथा द्रव्य लक्षण अंतरंग निमित्त योग नित्य। द्रव्य लक्षण अंतरंग निमित्त योगात अंतरंग निमित्त योग से नित्यत्व, जो अंतरंग जो है द्रव्य का लक्षण अंतरंग निमित्त योगात, ये ना है ना उसको ता बोलो, अंतरंग निमित्त के योग से नित्यत्व। अब यहाँ क्या पकड़ना आप निशंक सागर जी सारस्वत जी, अंतरंग निमित्त से नित्यत्व, नित्यत्व। अब शेख शुरू करो आ रहे हैं, नित्यत्व नित्यत्व। अब इसे आप न सुनो न बोलो समझो, नित्यत्व। ये नित्यत्व क्या बोल रहा है, नित्यत्व
वस्तुत्वम। नित्यत्वम क्या कह रहा है? वस्तुत्वम, मतलब जो द्रव्य है अपने इन उपादान से ही प्रमाण करता है और उसका द्रव्यत्व बना नित्य है। द्रोपना नित्य, द्रोपना नित्य नहीं बचेगा तो रोटी गेहूं की कैसे कहलाएगी? वो नित्य है। क्या है? नित्य है। तो ये क्या बोल रहे हैं? द्रव्य लक्षणात्, द्रव्य के लक्षण से अंतरंग निमित्त योगात नित्यत्वम, अंतरंग योग के निमित्त से नित्यत्व है। अंतरंग योग के निमित्त से क्या है? नित्यत्व है। और बहिरंग के नियोग से अनित्यत्व है। क्षेत्र भेदादि लक्षण, क्षेत्र भेदादि लक्षण से बहिरंग निमित्त योगात, बहिरंग निमित्त के योग से कार्य लक्षण, कार्य लक्षण नैमित्तिक योगात, नैमित्तिक लक्षण के योग से अनित्यत्वम क्या है? अनित्यत्व कार्य के योग से, कार्य के योग से। नहीं तो गेहूं पिसते ही नहीं, रोटी बनती नहीं। तो बहिरंग निमित्त के योग से क्या हुआ? क्षेत्र भेदात, क्षेत्र भेद हो गया। इधर देखो क्षेत्र भेद कैसा हो गया? ऐसे हो गया, इतना सा दाना था, ठीक है, वो पिसते ही उसने क्षेत्र घेर लिया। घेरा कि नहीं? घेरा है। इतना सी सोने की कड़का थी, भाई ने निमित्त ने एक चेन बना दी, उसने क्षेत्र बदला नहीं? बदला, क्षेत्र बदल गया। पर क्षेत्र बदला क्या? सुक्षेत्र का विस्तार होने पर भी नहीं बदला। प्रदेश तो नहीं बदला, प्रदेश वही रहेंगे। विरलन हुआ है घनत्व का, क्षेत्र कहाँ, प्रदेश तो कहाँ बदलेगा? जितने प्रदेश ही सोने की डली है, विस्तार हो जाए तो क्या प्रदेश बढ़ जाएंगे? अरे उस आकाश प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परमाणु संख्या अपनी रहेगी। उस प्रदेश की बात कर रहा हूं। अच्छा आप दूसरी भाषा में समझाता हूं। एक किलो गेहूं वो आटा बन गया तो वजन बढ़ जाएगा? बोलो, घटेगा क्यों? बढ़ेगा क्यों? क्या मिल गया? अंकड़ कंकड़ रहिए आप, तो शुद्ध गेहूं की बात करो, मिलावट की बात मत करो। अरे भाई अलने जलने की कोई बात ही हम नहीं कर रहे हैं। है? क्यों हो जाएगा? अरे मशीन चक्की छोड़ दीजिए आप, हम तो ये कह रहे हैं कि न मशीन मिला ना चक्की मिला, कुछ नहीं हुआ, ज्यों का त्यों हमने किया है। वो तो तोल के जाते, तोल के तो यार लेके आते हैं, फिर नहीं माना कि नहीं जला, कुछ भी नहीं हो रहा, जैसा था वही हो रहा है। उठ दो, उठने में देख लो, भैया सवा आठ बजे गए। आपको जवाब देना चाहिए, नहीं वैसे बराबर देंगे ना, जैसा था वैसा है। जवाब दीजिए। इस प्रकार से नित्यत्व मेकस्य वस्तु न विरुद्धम,
ए भाई, एक ही वस्तु में नित्यत्व बना, एक ही वस्तु में अनित्यत्व बना, विरोध को प्राप्त नहीं होता। कहना मुझे ये है, कहना क्या है, एक ही वस्तु में नित्यपना, एक ही वस्तु में अनित्यपना, विरोध को प्राप्त नहीं होता। कैसे, बालक था वही युवा हुआ है, बालकपना जो मनुष्यत्व है वो नित्य है, और बाल वृद्ध अवस्था जो बदली है ये अनित्य है, और किस में हुआ, एक ही वस्तु में हुआ है।